ऐसा है कि लोगों के मन में भाव थे कि परिवर्तन चाहिए। जो सत्ता में भी है, पद पे भी है, वही लोगों ने बैंक में आके बैठना, उससे तो हमने जो उम्मीदवार खड़े करे सब दूसरे सेकंड जनरेशन की फली जो है वो उम्मीदवार हमने खड़े करे। इसमें से हमारे ना खरे साहब खुद खड़े हैं, ना मैं खुद खड़ा हूँ, ना कल्याण राम खड़े, ना हमारे कैलाश पटेल खड़े, और उनमें मंत्री भी खड़े, आमदार भी खड़े, सभी नेतागण खड़े हैं। तो हमारा यही कहना था कि भाई आप लोग दूसरे सेकंड जनरेशन को आप चांस दो, जो आप सत्ता में हर जगह पे अपना अपना पद बोकते हैं। ये बात ना उन्होंने मानी, जनता ने ये बात मान ली, और जनता ने पूरी ताकत के साथ जो इसके वोटर है, जनता बोलते इसके वोटर जो है, वो वोटरों ने आज सब तरफ रूरल में आप जाओगे, वैजापुर जाओ, कन्नड़ जाओ, गंगापुर जाओ, कहाँ पर भी जाओ, तो सब महाविकास आघाड़ी के माध्यम से क्षेत्रीय निशानी चल रही है। औरंगाबाद शहर में भी वही हाल है, जहाँ पर पूरा पैनल अपना पूरा चल रहा है, जिसमें नॉन एग्री होगा, एग्री होगा, सभी पैनल चल रहा है। इसलिए अभी ये जो ताकत बनी है, जिसमें माजी खासदार हमारे सेना के नेताजी खेड़े साहब भी खुद पहले दिन से साथ में है, हमारे राष्ट्रवादी के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल भी साथ में है, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कल्याण जी काले हैं, मैं हूँ, सभी लोगों ने कहते हमारे इसमें कई लोग ऐसे हैं जो सेकंड जनरेशन वाले लोग साथ में काम कर रहे हैं, और ये फर्स्ट जनरेशन वाले उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये पोजीशन में लोगों के मन में भाव आगे, और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से क्षेत्रीय निशानी के माध्यम से सभी पैनल बैंक पूरी ताबे में लेंगी, ये हमारी भूमिका है, ये दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है, हमारे को दिख रहा है, ऐसा नहीं। अभी इस क्षेत्र में चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, बोलो तो अंदर क्या चल रहा है इसकी खबर निकालने का काम आप ज़्यादा हमारे से अच्छा करते हैं, तो इसलिए ये महाविकास आघाड़ी और क्षेत्रीय निशानी वाला पैनल जो है चुन गया। कम से कम बैंक के इलेक्शन में राजनीतिक पार्टियों हमने राजनीति पार्टी ने नहीं उतरना चाहिए था, ये बात तुम्हारी एकदम सही है, पर इसमें कोऑपरेटिव क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र में जब काम करते हैं तो राजनीति का वास्ता यहाँ रखते नहीं है, यहाँ राजनीति छोड़ के सभी विकास होना चाहिए, वो हिसाब से एक दूसरे के खिलाफ ना सेना कांग्रेस के खिलाफ लड़ती, ना भाजपा सेना के खिलाफ लड़ती, वहाँ भाई वो बैंक का विकास होना चाहिए, लोगों को ये काश्तकारों की बैंक है, ये खेती वालों की बैंक है, उनको फैसिलिटी मिलना चाहिए, वो फैसिलिटी के वास्ते हम हमारा राजकारण का अड्डा बनाने के वास्ते बैंक लड़ते, राजकारण का अड्डा मत बनाओ, इसको विकास के वास्ते काम करो, ये हमारी भूमिका है। सीएम के तरफ से जो किसानों को फंड आते हैं, हाँ, वो तो बरोबर पहुंच जाते हैं किसानों तक, ऐसा आते हैं? नहीं नहीं, किसानों को फंड पहुंचते हैं, पर खाली किसानों को फंड पहुंचने से काम नहीं होता है। बैंकिंग क्षेत्र आज इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखोगे तो बैंकिंग आधुनिक पद्धति की बैंक हो गई। आज मुझे यहाँ से अगर कोई ट्रांसफर मनी करना है तो मैं अमेरिका में कर सकता हूँ, छोटे से छोटे बैंक करती हूँ, पर हमारे DCC बैंक के माध्यम से हमारे ग्रामीण में जो ब्रांचेस है, अगर सवेरे आदमी चेक लेके गया तो उसको शाम को पैसा मिलता है, तो जिसका पैसा बैंक में डिपॉजिट है वो अगर एक दिन पूरा बर्बाद करेगा, वो खेती काम करने वाला मजदूर रहता है, खेती वाला मालक रहता है, वो अगर एक समय 5,000-2,000 निकालने उससे बैंक में दिन दिन भर रहता है। उसमें भी एडवांस टेक्नोलॉजी और जो है तो आज के दौर में जो प्राइवेट बैंकों में चल रहा है वो चीज़ आप उसके अंदर इन्वॉल्व करें? बिल्कुल इन्वॉल्व करना चाहते हैं, हमारा पैनल सुन के आएंगा ना, आधुनिकता वो बैंक में लाएंगे, नेट बैंकिंग रहो, मोबाइल बैंकिंग रहो, जो घर पे बैठ के काश्तकारों को, खेती वालों को, सामान्य लोगों को वो बैंकिंग माध्यम से 138 ब्रांच इस बैंक की है जो ग्रामीण लेवल तक पहुंची हुई है, और ग्रामीण लेवल से लोगों को ट्रांजेक्शन कर, हाँ सभी कोई कोई नहीं, इसलिए आधुनिकता ला सकते हैं, इतनी बड़ी ब्रांच है, इतनी बड़ी बैंक है। कंप्यूटर भी उन्होंने किया नहीं, कंप्यूटराइज करना चाहिए सभी ब्रांचेस में, ताकि आजकल की बैंकिंग सिस्टम का एक बद संस्था जो है वहाँ वहाँ है, और यहाँ अभी अपने इतनी पुरानी बैंक होने के बाद में उन्होंने लगाया था, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार होने वाला था, कोई किसी नहीं कंप्यूटर उसमें लगा मनो कभी चले नहीं, इन शॉर्ट इसलिए कंप्यूटर उसका सिस्टम ही नहीं आया उधर। क्यों चले नहीं? क्योंकि बड़ा खराब ऐसा था सर। कोरोना में क्या आह्वान करें? हाँ, कोरोना में अभी कोरोना में महाराष्ट्र में जो है एक्चुअल हमारा पहले कोरोना जो 21 मार्च से हमारा महाराष्ट्र में काफ़ी प्रभाव हुआ था, तब मुख्यमंत्री माननीय जी उद्धव जी ठाकरे ने यहाँ पे लॉकडाउन घोषित किया, और उसके बाद काफ़ी कंट्रोल महाराष्ट्र में आया था, मगर अभी सेकंड लॉट जो महाराष्ट्र में आई है पूरे देश से ज़्यादा महाराष्ट्र में बहुत कोरोना का प्रभाव है,
तो मैं लोगों को ये आह्वान करूँगा कि जो सिस्टम जो गवर्नमेंट ने लगा दिए, जो पॉलिसी दिए, सोशल डिस्टेंस रखो या लोगों से कम जगह पे तुम जाओ जहाँ पब्लिक ज़्यादा है, शादी ब्याह में रहो या किसी के मौता में रहो, कम से कम अटेंड रखो तुम, तो जिसमें कोरोना बढ़ने की संभावना है, या बैठे भी तो मास्क लगा के बैठो। ये भूमिका से हमारे जितना सैनिटाइजर आ रहो, घर में जाते टाइम अपने सब व्यवस्था ध्यान में रखते हुए घर में इंटर हो, जो परिवार को भी तकलीफ नहीं होगी, तो हमारी सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा ये हमारे हाथ में है। इसलिए कोरोना अभी गया नहीं, और कोरोना कंट्रोल आने के वास्ते हमारे को बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगी। ये जनता को मेरे तरफ से जिले वाले जनता को आह्वान है, महाराष्ट्र की जनता को आह्वान नहीं। ये ऐसा है, कोई स्वार्थ के वास्ते अगर कोई गलत आरोप करता है, वो चीज़ को ना जनता मानती है ना कोई मानता है। अगर किसी पे कोई गुनाह में वो फंसे हुए हैं, वो अगर मंत्रियों पे आरोप करेंगे कि नहीं मंत्रियों ने हमारे को हफ्ता वसूल करने की बात करी है, तो फिर अभी तो ये सोए हुए थे क्या? इन्होंने ये आवाज़ पहले उठाना चाहिए थी। आवाज़ नहीं उठाई ना, आज उन पर अगर कार्रवाई होती है तो उसके बाद कोई इल्ज़ाम लगाते ना वो जनता मानेगी ना कोई नेता मानेगी। राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि महाराष्ट्र राज्य का सभापति, इतने बड़े राज्य का, एक महाराष्ट्र राज्य का मंत्री एक फेयर मार वालों से हटे लेता है, तो ऐसा है कोई अधिकारी अगर ये आरोप करता है, वो अधिकारी के आरोप पे हम कमेंट्स करते हैं कि गलत बात है। जो अधिकारी उन्होंने आज जो कंट्रोल रखा है महाराष्ट्र में, उस माध्यम से कुछ अधिकारियों ने गलत रास्ते से कुछ काम करने की कोशिश करी है, अनाज उन पर अगर कार्रवाई होती है ना, वो अधिकारी उन पर आरोप करते हैं कि गलत, ये क्या प्रूफ इसका कि उन्होंने बेर बार वाले से हफ्ता लिया या मंत्री साहब ने हफ्ता मांगा, ऐसा कोई प्रूफ है क्या? कोई एविडेंस है क्या? मैं किसी के बारे में, मेरे बाजू में आज खरे साहब बैठे, इनके बारे में कुछ आरोप करूँ, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो उसका एविडेंस कोई मतलब नहीं आरोप का। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी देखो, ऐसा है विरोधी पार्टी का काम ही है सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आंदोलन करना। जब हम विरोध में थे हम वही करते थे, वो विरोध में वो वही करेंगे, वो ये थोड़ी बोलेंगे तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा गलत काम करो या मत करो, पर गलत अगर किसी ने आरोप किया उसका भांडवल बनाने का काम अपोजिशन पार्टी करती है, वो काम कर रही है।